चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी को, जो कि है मलाई टिक्का। इसके लिए जो मैंने लिए हैं वो चिकन लिया है। हम आज बनाने वाले हैं चिकन मलाई टिक्का। तकरीबन ये 500 ग्राम्स चिकन, बोनलेस चिकन लिया है। कर्ड, फ्रेश क्रीम, नमक, एक नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर घर के बने गरम मसाले। इसमें गरम मसाले में जो मैंने इंक्लूड किया है वो है दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी काली इलायची, जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ों को, तेज पत्ता और एक फूल चक्री होती है वो, इनको मिला के मैंने ये गरम मसाले का पाउडर तैयार किया हुआ है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। वैसे अगर आपके पास दखनी मिर्च हो, मतलब वाइट पेपर हो, तो वो और अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिलाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हमें हमारे चिकन को मैरिनेट करना है, तो हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से पीसेस में लिया हुआ है। अब मैं इसमें कर्ड डाल देंगे। दही जो होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए। ये हमने इसमें कर्ड डाल दिए। इसी में मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम डाली है। नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/2 नींबू और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, बस थोड़ा सा, 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है। अब हम इसको, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा चिकन में सब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मिनिमम, अदरवाइज आप चाहें तो इसे होल नाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए आपको इसे मिनिमम रखना होगा। तो चलिए अब हम इसे 2 घंटे बाद इसको, इसके हम टिक्के बनाएंगे। गाइस 2 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब ये बिल्कुल तैयार है, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको टिक्कों को, ये इस तरीके से स्टिक्स होती हैं ये स्क्वायर्स, इसी में हम इनको लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इन्हें एक एक करके सारी इनको स्टिक्स पे लगा लेते हैं। गाइस ये हमारे सारे हमने स्टिक्स में लगा लिए हैं। आप ये देखें, इस तरीके से हमने स्टिक में लगा लिए हैं और बहुत अच्छा ये इसमें से स्मेल आ रही है, खुशबू। चलिए अब हम इसको फ्राई पैन में इनको हम रख के इन्हें ग्रिल करते हैं। गाइस ये हमने नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसे इसमें हल्का सा इस तरीके से पॉलिश कर लेते हैं ऑयल को। इसमें एक एक करके स्टिक्स को लगा देते हैं। अब इसको हम, इसे लो फ्लेम पर ही करिएगा, इसे लो फ्लेम पर ही रख के हमें इसे कुक करना है, ग्रिल करना है। तकरीबन 5-7 मिनट एक तरफ करने के बाद फिर हम इसे शिफ्ट कर देंगे। ये मैं स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये जल्दी कुक होगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं गाइस, देख लेते हैं हम इसको। अब हम ओपन करके इनको, स्टिक्स को पलट देते हैं। अब हम इसे खुला ही पकाएंगे, इसको कुक करेंगे।
हल्का सा मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है। इन टिक्कों को पूरी तरीके से पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। बीच बीच में हमें इसे इस पर ग्रीसिंग करनी है। अब बीच बीच में हम इस पर ऑयल से ऐसे ग्रीसिंग कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारे ऑलमोस्ट टिक्के बन चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से ये ग्रिल हो चुके हैं। आप बीच बीच में इन्हें ढककर भी पका लेंगे तो भी ये थोड़ा इसे टाइम जल्दी इसमें बच जाएगा, जल्दी कुक हो जाएंगे ये। चलिए अब हम इसको इन स्टिक्स को निकाल देते हैं और दूसरे स्टिक्स को ग्रिल होने के लिए रखते हैं। ये हमने निकाल दी है, ये देखिए। अब हम गाइस, अब हम इसको भी 2-3 मिनट तक के लिए पहले ढक्के से कर लेते हैं ताकि ये जल्दी कुक हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम थोड़ा सा इसे खुला ग्रिल करेंगे और फिर बीच में 2 मिनट के लिए ढक देंगे और एक बार और फिर हम इसके इसमें ऑयलिंग करेंगे। तो चलिए हम 2 मिनट के लिए इन्हें भी ढक देते हैं। गाइस, ये 2-3 मिनट तक अच्छे से पक गया, उसके बाद हम इसको अब पलट रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ। इनमें एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब आप एक राउंड स्टिक का आप ग्रिल कर लें, खास करके जब अगर आप ग्रिल की जगह पैन में बना रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक बार पैन में स्टिक्स को करने, एक राउंड स्टिक्स को ग्रिल करने के बाद आप उस पैन का जो नीचे ऑयल लगा होगा, थोड़ा सा मैरिनेशन वाला मसाला लग जाता है, उसको आप पैन को एक बार धो लें और उसके बाद फिर दोबारा से स्टिक्स को रखें। ये एक इस रेसिपी की टिप्स है जो कोई नहीं बताता है नॉर्मली, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जब भी आप टिक्कों को पैन में बनाएं, विदाउट ओवन और विदाउट ग्रिल अगर आप बना रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो आपके टिक्के बहुत अच्छे बनेंगे। अदरवाइज सेकेंड राउंड टिक्का जो आपके होगा, स्टिक्स होंगी, वो कहीं ना कहीं वो जो जला हुआ नीचे का मसाला होगा वो उन वालों को थोड़ा सा उसमें उसका वो लुक नहीं आएगा जो आपका फर्स्ट राउंड टिक्के में आएगा, एकदम क्रीमी वाइट जो लुक होता है वो लुक नहीं आएगा। गाइस, ये हमारे टिक्के तैयार हो चुके हैं, अच्छे से सिक चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें उतार लेते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इन्हें। लीजिए गाइस, हमारा चिकन मलाई टिक्का बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, विदाउट ओवन विदाउट ग्रिल हमने इसे पैन में बनाया है। अब बड़े इजीली, बड़े आसानी से पैन में बन गए। ऐसे आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसे लगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और आगे शेयर करना ना भूलें। चलिए आज यहीं पर मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। जल्द ही फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।